गुमला विधायक भूषण तिर्की ने बजट सत्र के शून्यकाल सत्र के दौरान पंचायती राज व्यवस्था के तहत चयनित जनप्रतिनिधियों प्रखंड व पंचायतों की समस्याओं को सदन में रखते हुए उन्हें पूर्ण अधिकार व जनप्रतिनिधियों के जीवन यापन के लिए मानदेय देने की मांग सरकार से किया है। श्री तिर्की ने सदन में सरकार से मांग करते हुए कहा है कि पंचायत चुनाव में चयनित मुखिया को प्रतिमाह 3,000 रुपया, मुखिया को 15,000 रुपया व वार्ड सदस्य को प्रतिमाह 5,000 रुपया देने की मांग किया है। साथ ही पंचायती राज के 29 व्यवस्था के तहत जनप्रतिनिधियों को पूर्ण अधिकार भी देने की भी मांग सदन में सरकार से किया है। साथ ही झारखंड राज्य वित्त आयोग की राशि को भी पंचायतों को जल्द देने की मांग किया है। विधायक श्री तिर्की ने कहा कि पंचायतों के समग्र विकास के लिए पंचायत को फंड देना अनिवार्य है, ताकि छोटी छोटी योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से किया जा सके। गुमला विधायक भूषण तिर्की लगातार क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखते रहे हैं, जिसकी क्षेत्र के लोगों ने काफी सराहना किया है। इधर पंचायती राज व्यवस्था के तहत उन्हें व्यवस्था के तहत पूर्ण अधिकार देने और जनप्रतिनिधियों को मानदेय देने की सरकार से मांग किए जाने की सूचना पर पंचायत के जनप्रतिनिधियों में खुशी की लहर छा गई है। पंचायत के मुखिया, उप मुखिया व वार्ड सदस्यों ने सदन में पंचायत के समस्याओं को उठाने को लेकर गुमला विधायक भूषण तिर्की का आभार प्रकट किया है। विधायक भूषण तिर्की क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को सदन में प्रखरता से रखते रहे हैं। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी विषयों को विधायक भूषण तिर्की ने गंभीरता से लेते हुए सदन में सरकार से मांग करते रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने अवसर दिया, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज यहाँ के आदिवासी बरसों से सरना कोड मांग रहे हैं। इस सरना कोड में भी मैं आपसे चाहूंगा, सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए और राज्य के आदिवासियों को सरना कोड देने का काम किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि आदिवासी जनजातीय भाषा बोलने वाले कुड़ुख जनजाति लोग, जिनकी लिपिक है तोलंग सिकी, मुंडारी की लिपिक है देवनगरी, खड़िया की लिपिक है कलंगा और हो की लिपिक है बरनचिती, इन सब भाषा पर भी इस राज्य में पढ़ाई हो, क्योंकि आदिवासी के लिए ये राज्य बना है और ये राज्य में इन भाषा की पढ़ाई हो। बजट की भाषण में हमने पढ़ा है कि 1 से 5 तक की पढ़ाई बहुत जल्द इस राज्य में होगी। हम आशा और उम्मीद के साथ उम्मीद करते हैं इस राज्य में इन सब तमाम भाषाओं की पढ़ाई इस राज्य में हो, क्योंकि भारत के 8वीं संविधान के 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया है। मैं चाहूँगा कि सरकार जल्द से जल्द इन भाषाओं की पढ़ाई इस राज्य में क्षेत्रीय जनजाति भाषी की पढ़ाई करे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।